ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ करेंगे उद्घाटन, तैयारियों को पूरा करने में जुटा प्रशासन। सीएम धामी ने मुख्यमंत्री आवास में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा की, कहा सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का समयबद्धता से हो निस्तारण, निगरानी के लिए बनाया जाए उच्च स्तरीय निगरानी तंत्र। उत्तराखंड में रासुका लागू करने पर कांग्रेस ने जताया तीखा विरोध, प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में गोदियार ने कहा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करना लोकतंत्र की हत्या। भाजपा में जल्द शामिल हो सकते हैं विधायक राम सिंह कैड़ा, कैड़ा ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक से की मुलाकात। उत्तराखंड के 4 इंडस्ट्रियल पार्क लीडर की श्रेणी में शामिल, मंत्रालय की ओर से जारी लीडर पार्क की सूची में इंडस्ट्रियल पार्क ने बनाई अपनी जगह, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने जारी की रेटिंग। की न्यूज खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और हरिद्वार से आपको एक खबर बता देते हैं, श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है पितृ अमावस्या। गंगा घाटों पर श्रद्धालु लगा रहे हैं आस्था की डुबकी, आज नारायणी शिला मंदिर के कपाट 11 बजे तक बंद रहेंगे। बता दें आपको कि तुलसी चौक से लेकर नारायणी शिला तक वाहनों की आवाजाही बंद है। श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है पितृ अमावस्या, श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूर्वजों का किया तर्पण। हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर सुबह से ही स्नान शुरू हो गया, कुशा घाट समेत अन्य घाटों पर श्रद्धालु पूजन के बाद कर रहे हैं तर्पण। हरिद्वार की हर की पैड़ी की ये तस्वीरें भी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हरिद्वार से खबर, श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है पितृ अमावस्या, गंगा घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, आज नारायणी शिला मंदिर के कपाट 11 बजे तक बंद रहेंगे। तुलसी चौक से नारायणी शिला तक वाहनों की आवाजाही बंद, श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है पितृ अमावस्या, श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर पूर्वजों का तर्पण किया था। हर की पैड़ी समेत सभी गंगा घाटों पर सुबह से ही स्नान शुरू, कुशा घाट समेत अन्य घाटों पर श्रद्धालु पूजन के बाद तर्पण कर रहे हैं। हरिद्वार से आपको एक खबर बता रहे हैं जहां पर श्रद्धा पूर्वक मनाई जा रही है पितृ अमावस्या, गंगा घाटों पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे, जहां पर ऋषिकेश में स्थित एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री के दौरे की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड की धरती से देश भर के ऑक्सीजन प्लांटों का उद्घाटन करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए राज्य सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। अभी तक जो प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावित कार्यक्रम है वो अभी तक ऋषिकेश का है, जो पूरे देश भर के जितने भी ऑक्सीजन के प्लांट लगे हैं वो ऋषिकेश की धरती से, उत्तराखंड की धरती को उन्होंने चुना है देवभूमि से, पूरे देश को उस दिन समर्पित करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय देहरादून में परिवहन और आबकारी विभाग की समीक्षा की। बैठक में परिवहन और आबकारी मंत्री यशपाल आर्य के साथ ही मुख्य सचिव डॉक्टर एसएस संधू, अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन के साथ ही सचिव आबकारी सचिन कुर्वे एवं सचिव परिवहन डॉक्टर रणजीत सिन्हा एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परिवहन निगम को घाटे से उभारने और लाभ की स्थिति में लाए जाने के लिए प्रभावी कार्य योजना तैयार करने को कहा है। उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से कार्य करने को कहा। वहीं आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है, पर्यटन भी आर्थिकी को मजबूत आधार है और पर्यटकों को उनकी अपेक्षा अनुसार बेहतर ब्रांड की शराब उपलब्ध हो, इसके प्रयास किए जाने चाहिए। और अब खबर देहरादून से है, जहां पर बिजली निगमों
के कर्मचारी और सरकार टकराव की मुद्रा में है। प्रदेश में ऊर्जा निगम, उत्तराखंड जल विद्युत निगम और उत्तराखंड पारेषण निगम से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर तले आगामी 6 अक्टूबर से हड़ताल पर अडिग हैं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि ऊर्जा निगम के कर्मचारियों पर सरकार गंभीर है, लेकिन जनता की सुविधाओं का भी सरकार को ख्याल रखना है। प्रदेश का काम भी चलना चाहिए और हमारे जो ऊर्जा कार्मिक हैं उनकी जो बातें जो जरूरी हैं उन पर भी सरकार का पूरा ध्यान है। सरकार उस ओर भी ध्यान देगी और साथ ही साथ व्यवस्था बनी रहे, सरकार का काम है व्यवस्था भी बनी रहे, उसके लिए भी जो जरूरी होगा उसके लिए हमने सारे इंतजाम किए हैं। यूपी के लखीमपुर खीरी में किसानों पर कार चढ़ाने के मामले में जिला मुख्यालय पौड़ी में कांग्रेस जनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और इस मामले में कांग्रेस जनों ने पुलिस को अपनी गिरफ्तारी भी दी। सोमवार को अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रदेश उपाध्यक्ष केसर सिंह नेगी के नेतृत्व में सभी कांग्रेस कार्यकर्ता मुख्यालय के एजेंसी चौक में जमा हो गए। आक्रोशित कांग्रेसियों ने एजेंसी चौक से एसएसपी कार्यालय तक रैली निकाली। कांग्रेसियों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर जमकर नारेबाजी कर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस व कांग्रेसियों के बीच जमकर खींचतान हुई। आक्रोशित कांग्रेसियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाने की तैयारी की। मुसीबतों का पहाड़ काशीपुर के एक परिवार पर ऐसा पड़ा कि घर का मुखिया कर्ज न चुकाने और लेनदार की धमकी से तंग आकर पहले ही आत्महत्या कर चुका है, लेकिन परिवार आज भी लेनदार की धमकियों से तंग है और पुलिस से न्याय की लगातार गुहार लगा रहा है। लेकिन पुलिस है कि इस परिवार की संवेदनाओं को समझना तो दूर, इनकी आप बीती सुनने तक को तैयार नहीं है। परिवार की बेबसी भी ऐसी कि अब न्याय के लिए दर दर भटकने को मजबूर है, लेकिन इनके सुनने वाला कोई नहीं है। देखिए काशीपुर से अजहर मलिक की खास रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज अपनी जान को फना करने जा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत प्रेशर में हूँ, डिप्रेशन में, जीने में से नहीं आ रहा, नहीं जिया जा रहा मुझसे, इतनी परेशानी में। मुझे जो मिल गया वो चीटिंग बाज ही मिल गया है, जो मिल गया 420 मिल गया है। मुझे रामकृष्ण के इच्छा वाले ने जीना मुश्किल कर दिया। थोड़े से पैसों के लिए उसने मुझे धमकी दे दिया, गालियाँ बकरिया है। धर्मपाल जिंदर है रामनगर वाला, उसने मेरा जीना मुश्किल कर दिया। मनीष गुलाटी है जसपुर खुर्द में, छोटा सा लड़का है लेकिन उसके बावजूद भी मैं उसे जवाब नहीं दे पाता। उसके 10-20 हज़ार रुपये थे मेरी तरफ, बदतमीजी कर दी उनने मेरे साथ, उससे नहीं जिया जा रहा, इसलिए आज मैं अपने आप को फना करने जा रहा हूँ। ये एक ऐसे परिवार की सच्ची कहानी है जिसका दर्द सुनकर ही आंखें भर आएंगी। काशीपुर के महेशपुरा मदद कॉलोनी क्षेत्र में रहने वाली शरीफन न्याय के लिए दर दर भटक रही हैं। ये परिवार कुछ साल पहले इतना खुश था कि कभी सोचा भी नहीं होगा कि दुख और तकलीफों का साया इनको ऐसे घेर लेगा। मंदी की मार ने इस परिवार का सब कुछ छीन लिया। कोरोना काल में फैक्ट्री का इतना नुकसान हुआ कि फैक्ट्री मालिक कर्ज में डूब गया। लगातार लेनदार और दबाव बढ़ता गया और आखिर फैक्ट्री मालिक ने लाइव वीडियो बनाकर खुदकुशी कर ली, और जिसके द्वारा लगातार पैसों के लिए धमकी दी जा रही थी उनको अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया था, जिसके बाद पुलिस की कार्रवाई शुरू हुई और लेन देन के विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज हुआ। लेकिन फैक्ट्री मालिक की मौत के बाद ये पूरा परिवार टूट गया और फिर से उन्हीं लेनदारों ने इस परिवार का जीना दूभर कर दिया। फिलहाल ये परिवार लेनदारों की धमकियों के खौफ में जी रहा है। ये जो वो वीडियो बना के गए हैं, जिन लोगों के नाम लेके गए हैं, जिन्होंने उन्हें धमकी दी हैं, जिनकी वजह से उन्होंने जान दी है, वो लोग सारे खुले जी रहे हैं, घूम रहे हैं। पैसे वाले लोग हैं वो, उसमें से जैसे कांटवाल है और वो क्या नाम, मनीष गुलाटी, ये लोग घर आके धमकी देते थे, ये बहुत परेशान करते थे। एक पिछा के हैं वो, सब लोगों के नाम बोल के गए हैं, सब लोग आराम से घूम रहे हैं, पैसे वाले लोग हैं ये। हम जहाँ भी जाते पुलिस वाले कहते हैं कि कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई चल रही है। 2 महीने से सर पापा खत्म भी हो गए, घर में बहुत परेशानी चल रही है खाने पीने की भी। और वो लोग जो है, जो पापा नाम लेके गए हैं 7-8 लोगों का, मनीष गुलाटी, रामपाल,
किशन किछा वाला, कांडपाल है, आलू फार्म वाला और धर्मपाल जिंदल है, लेकिन और सर ये हैं सरफराज, नौशाद, आसिम, इन लोगों के पापा नाम लेके वीडियो बना के जब सुसाइड किया पापा ने कि मैं इनकी वजह से ख़त्म हो रहा हूँ, लेकिन वो घूम रहे हैं ऐसी, पुलिस कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हम वो रास्ते में कहीं हमें मिलते हैं तो धमकाते कहते हैं कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कोई कानून हमें सजा नहीं दे सकता, जब तक तुम ये कानून हमें दोषी ठहराएगा तो सालों निकल जाएंगे, तुम ऐसे धक्के खाते फिरोगे। पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से FIR हो गई है जो उन्होंने काफ़ी हमको दिखाई थी और ASP साहब यहाँ मौजूद भी हैं तहसील दिवस में, तो उनको डायरेक्शन दिए हुए हैं कि इसमें तत्काल से तत्काल कार्रवाई हो ताकि जो महिला है उनको रिलीफ मिल सके। बहरहाल शरीफन का परिवार भी ऐसे ही दुखों से घिरा है, जिसके सामने एक तरफ परिवार के भरण पोषण की चुनौती है तो दूसरी तरफ उसके पति की मौत के बाद लेनदारों के कर्ज चुकाने को लेकर मिल रही धमकियां हैं। देखना होगा कि इस परिवार को पुलिस और प्रशासन से राहत कैसे मिल पाती है, या फिर परिवार भी कहीं घर की मुखिया की तरह कोई गलत कदम उठाने पर मजबूर ना हो जाए। काशीपुर से के न्यूज इंडिया के लिए अजहर मलिक की रिपोर्ट। जी हाँ, तो ये तस्वीर आपने देखी जहां पर न्याय के लिए दर दर भटक रहा है परिवार, लेकिन देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस इस परिवार की मदद करती है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कांग्रेस कमेटी बैरीनाग के ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने लखीमपुर खीरी में किसानों के साथ हुई हिंसा के विरोध में बैंक चौराहे पर केंद्र सरकार का पुतला फूंका और कहा कि लखीमपुर खीरी में कई किसानों की जान गई है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष दीपक नवेलिया ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार किसानों पर अत्याचार कर रही है, सरकार के अत्याचार से किसान और जनता परेशान हो चुके हैं। कांग्रेसी गांव-गांव जाकर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे। जो हाई कोर्ट का हो उससे जांच कराई जाए और जिस तरीके से विपक्षियों का मुंह बंद किया जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अखिलेश जी को घर से नहीं निकलने दिया गया, जिस तरीके से उनके घर के चारों तरफ PAC पुलिस लगा दी गई, घोर निंदनीय है। लोकतंत्र की हत्या पूरी तरीके से देश में और उत्तर प्रदेश में हो रही है। और खबर अक्सर से है जहां पर तहसील मुख्यालय आयोजित होने वाले तहसील दिवस कार्यक्रम अब केवल औपचारिक कार्यक्रम बनते जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों में ना तो अधिकारियों की दिलचस्पी है और ना ही फरियादियों की। बता दें कि लिहाजा तहसील दिवस में एक दर्जन से भी कम शिकायतें पहुंचती हैं। हालांकि कर्मचारियों का दावा था कि जो भी समस्या आई उनमें से अधिकांश का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। वहीं DM, SCM और तहसीलदार भी तहसील दिवस में भाग लेने नहीं पहुंचे। केवल नायाब तहसीलदार ने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते ही नजर आए और यही हाल अन्य विभागों के अधिकारियों का भी रहा। ऐसे में फरियादियों की संख्या की भी दर्जन भर से कम ही रही। सभी विभाग उपस्थित हैं। उप जिलाधिकारी महोदय ने तहसील दिवस में उपस्थित होना था, परंतु माननीय आयोग में उनकी तारीख होने की वजह से वो उपस्थित नहीं हुए और तहसीलदार साहब भी जो है सचिवालय गए हैं। उनके स्थान पर मैं उनका प्रतिनिधित्व के तौर पर तहसील दिवस को देख रहा हूँ। अभी तक हमारे सभी विभाग यहाँ उपस्थित हैं और हमारे पास 5-6 एप्लीकेशन आई जिन पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। खबर उत्तरकाशी से है जहां पर नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले का गंगोत्री यमुनोत्री के तीर्थ पुरोहितों और होटल एसोसिएशन ने स्वागत किया है। होटल एसोसिएशन के पदाधिकारियों का कहना है कि यात्रियों की संख्या बढ़ने से उत्तराखंड के लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। मंदिर समिति के पूर्व सचिव पंडित मानवेंद्र सेमवाल ने तीर्थ यात्रियों से उत्तराखंड आने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि देवभूमि उत्तराखंड के चारों धामों के दर्शन करने एक बार ज़रूर आएँ, यहाँ आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगी। जय गंगे मैया। आज जो माननीय उच्च न्यायालय ने उत्तराखंड के चार धाम यात्रा के संबंध में जो निर्णय दिया है, पूर्व में जो सीमित संख्या रखी गई थी श्रद्धालुओं की, उसको समाप्त करके असीमित संख्या में श्रद्धालुओं के लिए जो
दर्शन का रास्ता साफ किया है, हम उसका स्वागत करते हैं और माननीय उच्च न्यायालय का आभार व्यक्त करते हैं। और इसी परिप्रेक्ष्य में समस्त देश के दर्शनार्थियों से निवेदन करते हैं कि आप आएँ और आपको इस देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम दर्शन का लाभ उठाएं और आपको किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी, ऐसा हमें विश्वास है। धन्यवाद। माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल का आज चारधाम यात्रा को लेकर फैसला आया है, जिसका हम सभी स्वागत करते हैं। चारधाम यात्रा में जो बाउंडेशन थी, जो यात्रियों की बाउंडेशन थी, लिमिटेशन थी, उसको माननीय उच्च न्यायालय ने समाप्त कर दिया है और अब पूरे प्रोटोकॉल के साथ चारधाम यात्री असीमित संख्या में आ सकते हैं। और मैं इसके लिए पूरे प्रदेश के जितने भी होटल व्यवसायी हैं, टूर ट्रैवल एजेंट्स हैं, चारों धाम की होटल एसोसिएशन है और सभी पर्यटन व्यवसायों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपकी मेहनत ये रंग लाई है और निश्चित अभी हमारे पास एक महीने का जो वक्त है, इसमें अच्छी चारधाम यात्रा चलेगी और मैं पूरे देश विदेश के तीर्थ यात्रियों का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं माननीय उच्च न्यायालय और उत्तराखंड सरकार, जो अभी वर्तमान मुख्यमंत्री है, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने हमारी काफ़ी दिनों से जो गुहार थी वो सुनी और उसमें आपने, जैसे कि हाईकोर्ट ने आज आदेश किया है कि सीमित संख्या को समाप्त कर दिया है और जो ई पास की बाध्यता है वो भी समाप्त कर दी है, उसके लिए हम सभी यमुना में यमुना घाटी होटल एसोसिएशन और चार धाम की सभी एसोसिएशन और टूर ऑपरेटर और हमारे टैक्सी मैक्सी कैब महासंघ और घोड़ा डंडी कंडी मजदूर संघ, सभी लोग, चार धाम के करोड़ों लोग सरकार और उच्चतम न्यायालय के शुक्रगुजार हैं। आपने हमारी सुनी, आपको कोटि कोटि नमन। और मैं अभी यही कहना चाहूँगा कि अभी जो श्रद्धालु हमारे अभी आए थे और निराश होकर वापस लौटे हैं, उनका मैं स्वागत करता हूँ। आप आइए, चार धाम में आपका वेलकम है, आप आइए और दर्शन कीजिए। अब आपको किसी भी परेशानी से जूझना नहीं पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बेरीनाग में मंगलवार को तहसील में एसडीएम सुंदर सिंह की अध्यक्षता में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। सामाजिक कार्यकर्ता महेश पंत ने बेरीनाग में सप्ताह में एक दिन पानी का वितरण होने और बेरीनाग में उप प्रबंधक कार्यालय नहीं होने से परेशानी को अवगत कराया। वहीं ग्राम प्रधान रीठा रतौली ने बेरीनाग तौली मोटर मार्ग खस्ता हाल होने की शिकायत दर्ज की। एसडीएम ने तहसील दिवस में उठी समस्याओं का शीघ्र निवारण करने का आदेश विभागों को दिया है। वहीं तहसील दिवस में लोनवी और पीएमजीएसवाई के अधिकारियों के नहीं आने पर एक दिन का वेतन रोकने और डीएम को रिपोर्ट भेजने की बात कही है और तहसील दिवस में देरी से आने वाले अधिकारियों और जिम्मेदार अधिकारी नहीं आने पर कड़ी फटकार लगाई है। सरकार द्वारा राज्य में समाज विरोधी तत्वों पर नकेल कसने के 31 दिसंबर तक रासुका का प्रावधान लागू किए जाने का निर्णय लिया गया, लेकिन सरकार के इस निर्णय पर विपक्षी कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस के पूर्व विधायक एवं पार्टी के हरिद्वार देहात के चुनाव पर्यवेक्षक मनोज तिवारी ने कहा कि भाजपा सरकार हिटलर शाही पर उतर आई है। प्रदेश में हिंसा के कतिपय घटनाओं का बहाना बनाकर सरकार रासुका जैसा कानून केवल इससे लागू करना चाहती है ताकि कांग्रेस सरकार की जन विरोधी और दबे कुचले मजलूम समाज की आवाज़ ना उठा सके। उन्होंने ऐलान किया है कि कांग्रेस सरकार के तालिबानी निर्णय के खिलाफ आंदोलन करेगी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल साल 2014 में दिवाली की रात परिवार के 5 लोगों की बेरहमी से हत्या करने वाले आरोपी हरमीत सिंह को आज कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को जघन्य हत्याकांड के लिए फांसी की सजा सुनाई है, साथ ही आरोपी पर 1,00,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अपर जिला जज पश्चिम आशुतोष मिश्रा की अदालत ने यह फैसला सुनाया। आरोपी हरमीत सिंह ने होर्डिंग व्यवसाय पिता जय सिंह, सतेली माँ कुलवंत कौर, सतेली बहन हरजीत कौर और भांजी सुखमणी की चाकू से गोद कर हत्या कर दी थी। न्यायालय में अभियोजन ने कुल 21 गवाह और वैज्ञानिक साक्ष्य पेश किए।
विधानसभा खानपुर में वरिष्ठ युवा नेता श्याम त्यागी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के द्वारा जन जागरण रैली का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रुड़की जोन प्रभारी अमित मिश्रा भी पहुंचे। रैली के बाद और जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय युवाओं को आम आदमी पार्टी की सदस्यता दिलाई गई। वहीं पर उपस्थित जोन प्रभारी अमित मिश्रा ने कहा कि उत्तराखंड में बिजली का उत्पादन होता है और उत्तराखंड वासियों को ही बिजली महंगी मिलती है। बिजली, बेरोजगारी व बढ़ती महंगाई के मुद्दे के साथ हम प्रदेश में चुनावी मैदान में। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी ने प्रदेश की जनता से वादा किया है कि हमारी सरकार आने पर प्रदेश के प्रत्येक युवा को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। जब तक रोजगार नहीं मिलता है तब तक 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। सदस्यता ग्रहण का है और हमारे जोन प्रभारी अमित मिश्रा जी के नेतृत्व में सदस्यता ग्रहण कराई कुछ युवाओं को और रोड शो किया गया और हमारे अध्यक्ष प्रेम सिंह जी और सभी हमारे वरिष्ठ नेता ओपी मिश्रा जी सभी नेता यहाँ पर उपस्थित है और सभी ने जनसभा का प्रोग्राम रहा और सभी ने ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग किया। बहुत बहुत धन्यवाद। कानपुर विधानसभा में हमारे आम आदमी पार्टी के युवा नेता श्याम त्यागी जी ने एक कार्यक्रम रखा हुआ है और इस कार्यक्रम में युवाओं को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कराया गया है। इसके अलावा एक जन जागरण रैली रोड शो निकाला है गया लगभग 2-2.5 किलोमीटर का, जिसके माध्यम से जनता के साथ आम आदमी पार्टी को हमने जोड़ने का प्रयास किया। देखिए मुख्य मुद्दा तो जो है जनता के लिए काम करना, जनता की भलाई। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भेजा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। 2022 का सियासी आगाज, किसके सिर सजेगा ताज, कौन होगा सुबह का अगला सरताज। समर अभी शेष है, देखिए के न्यूज के साथ शनिवार रविवार रात 9 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। करें अपने जीवन को कृतार्थ, सुने श्रीमद् भागवत कथा रोज प्रातः 6 बजे मेरे साथ सिर्फ के न्यूज इंडिया। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन पढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें। घबराए नहीं, अब हर मुश्किल होगी आसान। के न्यूज इंडिया वकील आपका देगा समाधान। कीजिए कॉल, पूछिए अपने सवाल 0512-239-0038 और 0512-239-0032। वकील आपका हर रविवार दोपहर 3 बजे केवल के न्यूज इंडिया पर। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। राहुल गांधी दिल्ली से लखनऊ के लिए रवाना, राहुल के लखनऊ आगमन पर प्रशासन सख्त, एयरपोर्ट जाने वाले रास्तों पर की गई बैरिकेडिंग। लखीमपुर खीरी हिंसा पर सियासी घमासान जारी, खीरी जाने पर अड़े राहुल गांधी, बोले किसानों पर लगातार हो रहा आक्रमण। राहुल गांधी के लखनऊ आने से ये पहले यूपी सरकार की दो टूक, उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा माहौल बिगाड़ने नहीं देंगे।
कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 38 घंटे से पीएससी गेस्ट हाउस में नजरबंद, कहा ना वकीलों से मिलने दिया जा रहा और ना दिखाई जा रही एफआईआर की कॉपी। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की कुर्सी खतरे में, दिल्ली पहुंचे अजय मिश्र, टेनी से लिया जा सकता है इस्तीफा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का बेटा आज कर सकता है सरेंडर, आशीष मिश्रा पर किसानों को जीत से कुचल कर मारने का आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर, मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और बात करेंगे चंदौली की। चंदौली से खबर है, मुख्यमंत्री योगी